शहीद भगत सिंह के साथ फांसी के फंदे पर झूले राजगुरु और सुखदेव का काशीपुर से भी खास नाता था। भारत के विभाजन से पहले भगवान राम के पुत्र कुश की नगरी कसूर, जो अब पाकिस्तान में है, उस समय अविभाजित पंजाब के कॉटन किंग के नाम से मशहूर राय साहब गोपीमल बदवार 1905 में काशीपुर आ गए थे। उनके पुत्र लाला बांकेमल ने यहाँ पर कपास की गांठ बनाने की फैक्ट्री स्थापित की थी। काशीपुर आए बदवार परिवार की पांचवी पीढ़ी के वारिस आशीष बदवार ने अपने पिता आनंद गोपाल बदवार से सुनी यादों को साझा करते हुए बताया कि काकोरी कांड के बाद दोनों क्रांतिकारी राजगुरु और सुखदेव काशीपुर में उनके आवास पर आए थे और कुछ दिन रुके भी थे। कपास का कारोबार खत्म होने पर बदवार परिवार ने फैक्ट्री की इमारत को होटल के रूप में बदल दिया और वास्तुशास्त्र की दृष्टि से प्राचीन धरोहर को सजो कर रखा है। इस होटल में करीब 125 साल पुराने ब्रिटिश शैली के भवन और जमींदारी कालीन कागजात भी हैं। ये होटल के साथ साथ एक तरह का संग्रहालय है। आशीष बदवार को अपने पूर्वजों की यादगारों को संभाल कर रखने पर गर्व है और वह अपना ज्यादातर समय होटल कारोबार की जगह धरोहर की देखभाल पर व्यतीत करते हैं। स्वागिला टीम ने आज इस विषय पर आशीष बदवार जी से खास बात की। देखें रिपोर्ट। आशीष जी, हमारे संज्ञान में आया है कि भारत विभाजन से पहले ही आपका परिवार काशीपुर में आ गया था। वो एक बहुत बड़ा कारोबारी परिवार था और उससे बहुत सी जुड़ी हुई आपकी यादें हैं, क्या आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? बिल्कुल शमन शमन, मेरे जो परिवार था वो उनकी एक स्ट्रिंग ऑफ कॉटन जिनिंग फैक्ट्रीज थी, मतलब पाकिस्तान अनडिवाइडेड मतलब भारत में, और काशीपुर वॉज वन ऑफ देम। मतलब करीब मैं समझता हूँ 18 से 20 जिनिंग मिल्स थी हमारे परिवार के। तो मेरे जो एक पूर्वज थे राय साहब गोपीमल थे, तो 1905 में वो ने यहाँ के जो कमिश्नर थे कुमाऊँ के AW शेक्सपियर से, तो उन्होंने इन्वाइट किया था कि तराई में आप आइए और ये बड़ा फर्टाइल एरिया है और यहाँ पे आप कपास की फैक्ट्री लगाएं। तो यहाँ पे वो 1905 में, फिर उससे थोड़ा सा हो सकता पहले आए, और यहाँ पे तब उन्होंने ये एक बाग था, ये आम का, जो पंडा परिवार है यहाँ का, उनसे लिया था और 3 गांव लिए थे यहाँ पे रामनगर रोड पे। अच्छा, जो स्वतंत्रता सेनानी थे और हमारे शहीद हैं, उनके बारे में भी ज्ञात हुआ है कि हाँ, वो भी आपके परिवार में कभी आए, बिल्कुल उसकी यादें कुछ बताएं। ये एक्चुअली क्या था कि ये लाहौर वॉज द सेंटर ऑफ ये फ्रीडम स्ट्रगल जी, हाँ, और DAV कॉलेज लाहौर जो था वो लाला लाजपत राय की छत्र छाया में, वहाँ से बहुत स्वतंत्रता ये जो फ्रीडम फाइटर्स हुए, जिसमें से सुखदेव, राजगुरु और कवि यशपाल, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी के ये यूनाइटेड प्रोविंसेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, तो वो लोग सब लाहौर में पढ़ा करते थे, सब एजुकेशन का सेंटर लाहौर था। तो वहाँ पे हमारे परिवार को सब जानते ही थे वहाँ पे। तो जब कुछ कांड हुआ इस तरीके से, काकोरी कांड और कुछ, तो प्रोफेसर यशपाल ने अपनी किताब में लिखा और हमें भी, हमारे पूर्वजों ने भी बताया, हमारे फादर ने भी बताया, जो कि अब 86 ईयर्स ओल्ड हैं, अभी यहीं पे हम उनके साथ ही रहते हैं यहाँ पे, और मेरी बहन है छोटी और मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे सब हम लोग यहीं रहते हैं अपने फादर के साथ। तो उन्होंने बताया कि राजगुरु और सुखदेव जी दोनों यहाँ रुके, फिर यहाँ 1 महीना लगभग रहे, और उसके बाद फिर हमारी एक और फैक्ट्री थी मथुरा में, फिर वहाँ से फिर ये मथुरा से पार करके झांसी और मध्य प्रदेश में चले। अच्छा, आप वहीं पकड़े गए थे शायद, मतलब मेरे फादर ने बताया वहीं पकड़े गए थे, और प्रोफेसर यशपाल तो लगभग 1 साल रहे यहाँ पे छुप के जी। अच्छा, वो आपने फैक्ट्री तो कॉटन की बंद कर दी। हाँ, बंद। उसके बाद जो ये जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं,
इसको समझ लीजिए वास्तुशास्त्र की धरोहर के रूप में आपने संजोया है जी, और जी, इसमें अभी एक होटल बना दिया। हाँ, होटल इसकी भी कुछ बातें। ये बस मेरी फादर की प्रेरणा है, हनुमान जी का आशीर्वाद है कि उन्होंने कहा भी कि इसको मेंटेन करना है, कि अब इतनी पुरानी बिल्डिंगें बची नहीं हैं, सब लोग तोड़ तोड़ के नए मकान बना रहे हैं, तो हमने इसी शेप में इसमें थोड़ा सा कोशिश करी है कि ये मेंटेन रहे, ताकि आगे वाले आने वाले जनरेशन, हमारी जनरेशन और शहर के लोग भी वो देख सकें कि कभी जो है यहाँ पे ऐसी एक कपास मिल थी और यह बहुत अच्छा शर्मा जी कॉटन होती थी यहाँ पे। ये जापान की मार्केट में इसकी 5 रुपये माउंड की वैल्यू ज़्यादा मिलती थी काशीपुर के कॉटन की। काशीपुर का बहुत अच्छा कपास होती थी, फाइबर बहुत अच्छा था इसका। तो आपको गर्व है कि आपने इतनी पीढ़ियाँ काशीपुर में बिताई? हाँ, बहुत गर्व है, हमें बहुत प्यार है इस जगह से, बहुत प्यार है।